हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र नेहरा आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। आज हम करेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, यानी अवसादन और निस्तारण। ये देख लेंगे क्या होते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन यूज इन ए कम्बिनेशन फॉर सेपरेटिंग कोर्स पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड विच इनसॉल्युबल इन द लिक्विड। ये सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन है, इनको एक साथ प्रयोग किया जाता है, दोनों को अलग अलग प्रयोग नहीं किया जाता। कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब कोई सॉलिड पार्टिकल पानी में न घुले, जो पानी में न घुलने वाली चीज के लिए पानी में इनको अलग करने के लिए किया जाता है। जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती ना पूरी तरह से, तो उनको अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो आप। द कोर्स पार्टिकल ऑफ सैंड इन मडी वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई डिकंटेशन। या तो कोई जो सैंड के पार्टिकल हैं, मिट्टी पानी में मिल गई है, उस मिट्टी को अलग, मिट्टी अगर पानी में मिल जाए तो उस पानी को साफ करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। बिफोर कुकिंग राइस और पल्सिस आर वाश विद वाटर। और इसका प्रयोग वहाँ भी किया जाता है जब हम सब्जी, जब कोई हम दाल या कोई और दाल या चावल पकाते हैं, तो उससे पहले भी हम उनको धोते हैं पानी में, वो इसी इसी के द्वारा वो शुद्ध होते हैं। द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड अदर लाइटर पार्टिकल फ्लोट ऑन द वाटर एंड द राइस ग्रेन्स एंड पल्सिस सेटल एट द बॉटम। क्या किया, जब भी हम धोते हैं इन चीज़ों को, दाल या चावल को पकाने से पहले, तो क्या होता है, जो भी उसमें घास फूस या फिर कोई मिट्टी है वो तो ऊपर तैरने लगती है, और जो जो दाने दाने होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ये लिखा ना, एट द सेटल एट द टॉप, मतलब नीचे तल में बैठ जाते हैं। दिस वाटर इज रिमूव्ड बाय प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन। इसी को हम बोलते हैं डिकंटेशन। क्या होता है, जब कोई चीज़ पानी में नीचे बैठ जाती है ना, भारी चीज़। समटाइम ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन यानी अवसादन के दौरान, द हेवियर कोर्स पार्टिकल सेटल डाउन क्विकली बट फाइन पार्टिकल ऑफ क्ले सेटल डाउन वेरी स्लो। क्या होता है, कई बार सेडिमेंटेशन के द्वारा क्या होता है कि जब मिट्टी के जो भारी कण होते हैं वो तो जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ मिट्टी के बहुत ही हल्के हल्के कण, बहुत ही बारीक होते हैं, जो वो नीचे नहीं बैठते वेरी जल्दी, बहुत जल्दी से नीचे नहीं बैठते। इसके कारण क्या करते हैं, द फाइनर पार्टिकल कैन बी मेड सेटल फास्टर बाई डिजोल्विंग ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ एलम इन मडी वाटर। दिस मेथड इज कॉल्ड लोडिंग। लोडिंग का मतलब हिंदी में बोलते हैं भारण। क्या है, जो छोटे पार्टिकल मिट्टी नहीं मिलते, उनको नीचे नहीं बैठते तल में, तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें एलम मिलाया जाता है, यानी फिटकड़ी मिलाई जाती है उसे मिट्टी के पानी में, ठीक है। जिससे क्या हो जाते हैं, वो पानी के पार्टिकल, जो मिट्टी के जो पार्टिकल है उनके साथ वो चिपक जाती है और उनको भारी बना के नीचे बिठा देती है, तो इसको हम बोलते हैं लोडिंग। वेन एलम इज एडेड टू मडी वाटर, द फाइनर पार्टिकल गेट लोडेड विद एलम पार्टिकल एंड फ्रॉम लार्जर एग्रीगेट। तो ये लिखा है कि जो भारी हो जाते हैं इसके वजह से और वो नीचे बैठ जाते हैं। दिस मेक देम टू सेटल डाउन फास्टर। इसमें क्या करते हैं, देखो सेंडिमेंटेशन क्या होता है, एक बार सुन लो। सेंडिमेंटेशन होता है क्या है, कोई आपने पानी में रेत मिला दी, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, बिना हिलाए उसको छोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और फिर जो पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं उसको बोलते हैं डिकंटेशन, ठीक है। और फिर कई बार क्या, जो पार्टिकल है वो नीचे नहीं बैठते, तो इसलिए फिटकड़ी मिला देते हैं, उससे वो जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं। क्या हो जाता है, जब रेत नीचे बैठ जाती है ना, तो जो ऊपर का पानी होता है उसको एक अलग बर्तन में डाल लेते हैं और वो पानी साफ होता है, क्योंकि सारी रेत नीचे बैठ जाती है। आगे निष्पंदन यानी फिल्ट्रेशन, इसको मतलब बोलते हैं छानना ही होता है एक प्रकार का, ठीक है। देखो क्या होता है, दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग फाइन इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड। इसका प्रयोग भी वहीं किया जा सकता है जहाँ पे फाइन, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल की बात करें, बहुत छोटे पार्टिकल हो उनको छानने के लिए प्रयोग किया जाता है, पर वो पानी में नहीं गलते। इन दिस मेथड, इस विधि में मिक्सचर इज अलाउड टू पास थ्रू ए फिल्टर। इसमें क्या होता है, जो मिक्सचर होता है वो एक सॉलिड से पास करवाया जाता है, छानते हैं, मतलब छानते हैं।
फिल्टर इज ए मीडियम विद फाइन पोर्स, एक फिल्टर पेपर होता है जिसमें बहुत छोटे 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 होल होते हैं, पोर्स यानी होल, छेद होते हैं। द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल रिटेन बाय द फिल्टर एंड द क्लियर लिक्विड इज कॉल्ड कोलेक्ट फिल्ट्रेट। क्या किया है, ये कोई रेत का पानी है हमारे पास और ये हमने यहाँ कोई कीप ले रखी है, कीप के अंदर क्या डाल दिया हमने, फिल्टर पेपर डाल दिया। ठीक है, फिल्टर पेपर में कहता बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं काफ़ी, तो ये कोई कीप लेके इसके अंदर हमने डाल दिया। तो फिर इसको हम इसमें ये पानी गिराते हैं, गंदा गंदा पानी गिराने से क्या होता है, जो मिट्टी वो पानी है वो तो नीचे निकल जाता है और मिट्टी कहाँ पे रह जाती है, ऊपर रह जाती है। ये सेम वैसे ही है जैसे चाय होती है ना, चाय चाय को छानते हैं तो क्या होता है, चाय तो ऊपर रह जाती है, चाय की जो पत्ती है वो तो ऊपर रह जाती है और बाकी सारा नीचे चला जाता है, सेम ही होता है। पर बात यह है कि जो फिल्टर पेपर होता है वो मिट्टी को भी अपने अंदर से नहीं जाने देता, वो बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं। सेम वही प्रोसीजर होता है कि मिट्टी वाला पानी डालते हैं, नीचे साफ पानी चला जाता है, ऊपर मिट्टी रह जाती है, जो नीचे चला जाता है उसको फिल्ट्रेट बोल देते हैं। इन फिल्ट्रेशन साइज ऑफ पोर्स इन द फिल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या करता है, जो जो छेद होते हैं ना उसका साइज होता है वो कितने आकार के हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। फॉर गुड फिल्ट्रेशन, अच्छी अच्छा फिल्ट्रेशन, द साइज ऑफ पार्टिकल कैन द पोर्स ऑफ फिल्टर शुड बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ पार्टिकल टू बी रिमूव्ड। इसमें क्या होता है कि जो रेत गुली है ना, चाहे रेत गुली है तो उससे रेत से छोटे रेत होते हैं ना, रेत के कणों से भी छोटे उसमें छेद होने चाहिए तभी फायदा होगा, नहीं तो वो सारा पानी गंदा पानी निकल जाएगा, रेत तो ऊपर रहेगी नहीं। तो इसलिए जो छेद होते हैं उनका बहुत ही महत्व होता है इसमें। ए फिल्टर पेपर हैज़ फाइन पोर्स इन लेबोरेटरी फिल्टर पेपर सेट ऑन टू ए कोन द फॉलोइंग वे। तो ये कह रहा है कि जो जो कीप में है उसको फिल्टर पेपर को कैसे डालते हैं, ये गोल आता है, गोल आता है, इसको आधा गोल आता है तो इसको आधा फोल्ड कर लेते हैं, फिर उसको फिर फोल्ड कर लेते हैं और फिर एक कीप के जैसा बना लेते हैं और कीप के अंदर डाल देते हैं। इन जनरल सामान्य तौर पे ए पीस ऑफ मुस्लिन क्लॉथ इज यूज फॉर फिल्टरिंग द इम्प्योरिटी। किसी कपड़े का प्रयोग भी कर सकते हैं आप छानने के लिए। ए लेयर ऑफ कॉटन और लेयर ऑफ